दोस्तों, मैं हूं बिली सिंह और आज मैं श्रीनगर से वापस जा रहा हूं अपने घर की तरफ। और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये बनीहाल टनल तक लेकर जाएगा अभी। तो ये जो लेफ़्ट साइड पर आप ट्रक्स देख रहे हैं, ये श्रीनगर से जा रहे हैं पंजाब, हरियाणा और बाकी इंडिया के अदर स्टेट्स में। आजकल ट्रक्स का इतना रश इसलिए है क्योंकि सेब का सीज़न है, तो जितना भी सेब पका हुआ है वो इन ट्रक्स में लोड होकर सीधा पूरे इंडिया में सप्लाई हो रहा है। तो इनकी वजह से ट्रैफिक जैम्स बहुत ज़्यादा लगते हैं और जो नैरो रोड्स पे आगे दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो फिर पुलिस ने सिस्टम ये बना रखा है, अभी एक दिन एक साइड छोड़ी जाएगी ट्रक्स की, जब वो निकल जाएंगे तो फिर दूसरी साइड जो रुके हुए ट्रक हैं। सामने जो टोल प्लाज़ा है, ये बनीहाल टनल से पहले का टोल प्लाज़ा है और यहाँ पर आकर बिल्कुल आपको इंटरनेशनल फील मिलेगी। आपको लगेगा कि वाकई में इस एरिया में बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। बनीहाल शहर जो है वो लगभग 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है। तो इसकी एंट्रेंस जो श्रीनगर साइड से है यहीं से होनी है, जो एक टनल बना है। इस टनल ने तकरीबन 30 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर दिया है। बनीहाल टनल जो है उसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 8.45 किलोमीटर्स है और ये नेशनल हाईवे 44 को नेशनल हाईवे 1A से जोड़ता है। इसमें डबल ट्यूब टनल बने हुए हैं, एक साइड पे डबल लेन है और दूसरी साइड पे डबल लेन है। तो इससे आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। लाइटिंग सिस्टम देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त है और आप रफ्तार से निकल जाते हैं यहाँ से। तकरीबन 10-12 मिनट का रास्ता है ये, तो इतना लंबा टनल एक अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस होता है जीवन में। मज़ेदार बात ये हुई कि उस साइड से जब मैं श्रीनगर साइड से एंटर किया तो कोई बारिश नहीं थी और इधर बाहर निकला तो बारिश ही बारिश। तो ये 8.5 किलोमीटर्स में ही मौसम चेंज हो गया और इसके बाद आप लोग वीडियो देखते जाएँ। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस रहा आगे। और मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि पहाड़ों में बरसात के सीज़न में कभी बाहर ना निकले। इतनी भयानक रॉक स्लाइडिंग और मिट्टी खिसकती है पहाड़ों से, और जब बारिश का पानी ऊपर से पूरा नाला या नदी बनकर सीधा सड़क के ऊपर गिरता है तो आपको बस आपकी किस्मत ही बचा सकती है। मैंने बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य देखे हैं और मैं खुद इन नदियों में फंसा हूँ और नदी जो है उसी में से सड़क के ऊपर बिल्कुल नदी बना हुआ था पानी, उसमें से निकला हूँ। बनीहाल शहर को कश्मीर वैली का गेटवे भी बोला जाता है और रियल में जो बाउंड्रीज हैं ये जम्मू शहर में ही आता है, बनीहाल जम्मू डिवीज़न में, और इसके बाद फिर शुरू हो जाती है कश्मीर की डिवीज़न और कश्मीर की खूबसूरती। जो रामबन से बनीहाल का रास्ता है या बनीहाल से रामबन का, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ऐसे सड़कें चौड़ी करने के चक्कर में सारे पहाड़ ऐसे काट दिए गए हैं। अब जो मिट्टी है वो बिल्कुल लूज़ हो चुकी है, तो जैसे ही हल्की सी बारिश आती है तो ये खिसकने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये रास्ता मेरे को सबसे ख़तरनाक रास्ता लगा। ये देखें आपके सामने ऊपर जो मिट्टी वाले पहाड़ हैं, जब बारिश तेज आती है तो ये पूरे फोर्स से नीचे मिट्टी आती है। तो फिर जो भी आगे आएगा, इसके साथ में साइड साइड में नदी चलती है भयंकर, तो जब बारिश आती है, पहाड़ों की बारिश हमेशा एक क्लस्टर के रूप में आती है तो एकदम बरसती है, तो काफ़ी पानी एकदम आता है। तो जहाँ भी पानी का रास्ता होता है वहाँ से वो पूरी नदी की नदी बनकर निकलता है। तो आपकी कार है, ट्रक है, वो उसको नीचे ही लुढ़का देगी अपने पानी के फोर्स से नदी के बीच में। तो जान को सबसे बड़ा खतरा है बरसातों में पहाड़ों में। रोड साइड पर आपने देखा होगा लेफ़्ट साइड पर कुछ फौजी या CRPF के जवान चल रहे हैं। इधर सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी हुई है क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि इधर कंस्ट्रक्शन जो है लार्ज स्केल पर चल रही है, हजारों लाखों करोड़ रुपये इन्वेस्ट हो रहा है। तो इनकी सुरक्षा के लिए और जो टनल्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हर टाइम CRPF की गश्त चलती रहती है। बॉम्ब स्क्वाड ये साथ में इनके चलते हैं, माइंस को भी डिटेक्ट करने की इनके पास मशीन्स हैं। सामने स्क्रीन पर आपको हरे रंग का जो नेट नज़र आ रहा है,
ये इसके नीचे इन्होंने थोड़ी मोटी वायर का पूरा जाल बुना हुआ है, और फिर उसके ऊपर ये स्प्रे करते हैं सीमेंट का, और कुछ और भी केमिकल्स और सॉल्यूशंस इन्होंने ऐड किए होंगे ताकि मिट्टी नीचे ना खिसके बारिश की वजह से। तो अच्छी टेक्निक लग रहा है, लेकिन मैंने देखा रास्ते में भी ये भी डैमेज हो रखा है, जब पानी पूरी फोर्स से आता है तो फिर वो तो बड़े बड़े चट्टाने ले उड़ता है, तो ये छोटा सा नेट क्या रोकेगा। चलो, कोशिश है इंसान की लड़ने की कुदरत से। आज सामने से ट्रक आने की बारी है, और इधर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो इस वजह से ये नैरो रोड है तो दिक्कतें आती हैं। कई बार तो आधा आधा दिन बीच ही में फंसा रहता आदमी, धीरे धीरे कछुए की चाल से ट्रैफिक चलती है। ये देखें हमारे जवान कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए। और मैंने एक बात नोट किया है, पूरे कश्मीर में इधर से जब हम लोग जाते हैं तो बड़ा सिक्योर फीलिंग एक आती है मन में, जब आप देखते हैं भी हर जगह हर रोड पर पुलिस या फौज के जवान या सीआरपीएफ के जवान गश्त पर हैं या खड़े हैं। तो अच्छी बात है, ये भी बड़ा सिक्योर स्टेट है कश्मीर, आप बेझिझक होके इस स्वर्ग जैसी धरती पर घूमने आए। सुबह 8 बजे का समय है, तो इसलिए ट्रैफिक जो लोकल ट्रैफिक होती है वो तो है ही नहीं, तो इस वजह से थोड़ा मैं स्पीड में निकल रहा हूँ यहाँ से। और आप देखें ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत दृश्य क्रिएट करते हैं, आगे देखें सामने बादल ही बादल हैं। बादल क्या है, एक धुंध टाइप ही होते हैं, वो तो नीचे से हम लोग देखते हैं जब प्लेन्स में जब होते हैं, ऊपर हमें ऐसे लगता है भी कोई थिक चीज़ होगी, बट ये भी एक धुंध ही है, बस इसमें वाटर वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं तो फिर बारिश का कारण बन जाते हैं। बनिहाल से लेकर नीचे रामबन तक तकरीबन 40-45 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही चलता है, और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है एज अ ड्राइवर भी और पैसेंजर भी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है कश्मीर को जोड़ने का, सिर्फ यही है। तो मेरे को लगता है और उम्मीद भी है अभी आने वाले 2-3 सालों में ये जितना भी यहाँ लेफ़्ट साइड पर कंस्ट्रक्शन आपने देखा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर काफ़ी राहत मिलेगी और तेज़ी से हम लोग ये जो 40-50 किलोमीटर का डिस्टेंस है कवर कर सकते हैं, फिर तो बिल्कुल ही ये जन्नत हो जाएगा। ये वाली स्ट्रिप पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो फ्यूचर में सारा जो ये 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर का रास्ता है ऐसा दिखेगा, फिर ये ज़बरदस्त हो जाएगा। और आगे पहाड़ देखें कितनी खूबसूरती इनमें से उभर रही है, ऊपर से बारिश गिर रही है बूंदें, आगे लग रहा और भी भयंकर बारिश हो रही है। चलो लेट्स सी कि कैसे चलती है ड्राइव। व्यूज़ भी बड़े अच्छे होते हैं, बट पहाड़ों में जो ड्राइवर है उसको व्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ जरा सी भी आंख झपकने वाली बात है आप सीधे खाई में गिरेंगे। अब नज़ारा देखें, बिल्कुल बादलों के बीच में से निकल रहा हूँ, बादल जो है वो सड़क के ऊपर आ गए थे, तो इस पैच में अब आगे लगता है मेरे को पूरे बादल ही बादल नज़र आएंगे, सड़क के ऊपर भी और बारिश भी। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या बनता है, लिया तो पंगा ही है। वैसे पता नहीं था भी मौसम ऐसे बिगड़ेगा, क्योंकि श्रीनगर साइड तो अच्छी धूप निकली हुई थी, वो तो बनिहाल टनल पार करते ही मौसम ऐसा हो गया, इसी का डर था मेरे को 2 दिन से, जब मैं प्लान कर रहा था कि अब वापस जाना है घर, तो वही बात हुई, बारिश में फंस गए। छोटी छोटी नदियाँ बनने लग गई हैं सड़क के ऊपर पानी की, तो जैसे जैसे बारिश तेज़ होगी तो ये पानी का जो फ्लो है और बढ़ता जाता है, तो वो डेंजरस हो जाता है फिर ड्राइविंग के लिए, या पैदल भी आप चल रहे हैं। तो इधर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, मिट्टी भी खिसकेगी, साथ में जो चट्टाने हैं वो भी गिरेंगी, तो भाई ऐसे मौसम में कभी भी नहीं आना पहाड़ों में। अभी आगे आगे आप देखते जाएं कैसा कैसा मंज़र आएगा, आप खुद कहेंगे और दोस्तों को भी बोलेंगे कि पहाड़ों में कभी भी मॉनसून सीज़न में नहीं जाना, बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेके जून एंड तक है, जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने बहुत ही डेंजरस हैं, जान को पूरा पूरा खतरा है। यहाँ खबरों में आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, हादसे इसी वजह से होते हैं जब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर निकल पड़ते हैं।
वैसे बरसात में पहाड़ों की खूबसूरती अपना पूरा रंग दिखाती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बहुत रिस्की हैं। अब पहला खतरनाक सीन आ रहा है, वो देखें सामने नाला अब चल पड़ा है पानी का, तो अब यहाँ से फटाफट निकलना है। जैसे जैसे बारिश पड़ेगी ये नाला जो है नदी बनता जाएगा और सड़क के ऊपर पूरा पानी आ जाएगा। अब ये बिल्कुल बादलों के बीच में से गाड़ियां निकल रही हैं। अब ये सबसे खतरनाक टाइम होता है क्योंकि विजिबिलिटी भी पुअर हो जाती है और आप बिल्कुल किनारे किनारे पर, आपको मालूम है पहाड़ों में सड़कें कैसे काटी जाती हैं, साथ में नदी बहती है और उसके साथ ही सड़कें बनी होती हैं, तो ये बहुत खतरनाक वक्त होता है। लाइट्स ऑन करके बड़े आराम से निकलना पड़ता है और अपनी जो लाइन है उसी में चलते जाएं, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें जब तक सामने से ट्रैफिक कोई ना आ रही हो तब तक। यहाँ पर रास्ता थोड़ा चौड़ा था तो आगे वाली गाड़ी ने बस को पास किया तो मेरे को भी चांस मिला, तो मैंने भी पास कर लिया। है तो रिस्की पर थोड़ा बहुत तो अब चलना पड़ेगा क्योंकि बड़ी गाड़ी जब आपके सामने चल रही होती है तो आपको सड़क बिल्कुल नहीं दिखाई देती। इस पॉइंट पर पहुंचकर तो बारिश और भी भयंकर तरीके से गिर रही थी और सामने आप लेफ्ट साइड पर देखें पूरी नदी की नदी नीचे गिर रही है और सामने से बड़े बड़े ट्रक आ रहे थे। मेरे को ये था भी फटाफट मैं यहाँ से निकलूँ और आगे जो टनल है उसमें घुस जाऊँ, तो बिल्कुल ऐन मौके तक आप देखें भी नदी का पानी ऊपर से और तेज़ी से गिरता आ रहा है और वो इतनी स्पीड में आ रहा था, साथ में पत्थर भी लेके आ रहा था और मेरे को फटाफट टनल में घुसना था। तो ये सबसे खतरनाक पॉइंट था यहाँ पर जो मेरे को नर्वस कर रहा था थोड़ा सा भी, अब कहीं 7 महीना रहा के ले जाइए, तो ये टनल ने बचा लिया। टनल ऐसे होते हैं पहाड़ों में, देखें पूरे पहाड़ ऊपर खड़े हैं इसके ऊपर और आदमी ने पंगा ले रखा है, देखो टनल खोद मारे हैं नीचे से, पता नहीं कब तक इनकी लाइफ होती है ऐसे टनल्स की। अब सड़क पूरी नदी में कन्वर्ट हो चुकी है, देखें सड़क कहीं नहीं नज़र आ रही, तो पानी ऐसे खतरनाक तरीके से ट्रैवल करता है रोड के ऊपर भी जब बारिश तेज़ी से गिरती है। यहाँ तो चट्टाने तक साथ में आ गई थी, बड़ी मुश्किल से राइट साइड होके मैं ड्राइव करता रहा अपनी जान बचाने के चक्कर में कह लो या जो भी है परिवार का ख्याल आने से। बस इस मौके पर आदमी की जो सिक्स सेंस है वो काम करती है, फिर निकल जाओ क्योंकि ऐसे मौके पर आप रुक भी नहीं सकते। ये देखें छोटे छोटे पत्थर और इनके साथ बड़े बड़े भी लुढ़क के सड़क के ऊपर आके गिर रहे थे, तो यहाँ से मेरे को एकदम राइट करना पड़ा। ये लेफ्ट साइड पर अभी अभी साथ ही आए थे पानी के, तो ऐसे ये कारों की छतों के ऊपर गिरते हैं, कोई बाइकर है उसके सिर के ऊपर लगेगा तो वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। ये हाल होता है बरसात में पहाड़ में, पीछे बहुत भयंकर रॉक स्लाइडिंग शुरू हो गई थी, लकीली बच गया, निकल आया वहाँ से और अब रास्ता यहाँ जाम लगेगा ही लगेगा। दोस्तों भयंकर लैंडस्लाइडिंग होगी आगे, अब यहाँ से यू टर्न करना पड़ेगा और ये है रामबन, बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है, वो देखें सामने लैंडस्लाइडिंग हो रही है। दोस्तों ये नदी का नाम मेरे को पता नहीं, जगह है रामबन और देखो पानी कितना नदी में बह रहा है जबरदस्त। बुरी तरह से जाम लग चुका है और बारिश कह रही है अभी आज पीछे हट जाओ भाई। साइड में बिल्कुल नदी है और लेफ्ट साइड से पहाड़ जो है मिट्टी खिसकने वाले पहाड़ हैं और ये मोड़ बड़ा डेंजरस है। गुड समारिटन पीपल आर हेल्पिंग आउट कि गाड़ी कैसे निकालनी है क्योंकि साथ में ही बिल्कुल नाला बन चुका है पानी का।
ऐसे सेंसिटिव टाइम में बड़े संयम से चलना पड़ता है, बड़ी कूल रखनी पड़ती है। तो घबराने वाली बात नहीं है, सभी हैं वहाँ, आप अकेले नहीं हैं। बट फिर भी बस अवॉइड करें मानसून सीजन में पहाड़ों को, ऐसे में डिस्टेंस मेंटेन करके रखें आगे वाली गाड़ी से और उसको वॉच करते रहें, उसके पहिए देखें, अगर खड्डे में गिरते हैं तो आप बचें उन खड्डों से। सिंगल ब्रिज है बिल्कुल, ये पेडेस्ट्रियंस के लिए सिर्फ खुला हुआ है, नो व्हीकल्स अलाउड, पर आज मजबूरी है एडमिनिस्ट्रेशन की भी, तो पुलिस ने खुद ही इधर गाइड किया। ये सारे फंसे हुए हैं जब तक, ये रामबन एरिया वाकई में बहुत खतरनाक है इस इलाके का। पानी ऐसे सड़क के खड्डों को कवर कर लेती है और बिल्कुल भी आइडिया नहीं मिलता भी कहाँ चलाना चाहिए आपको, बस समझो राम भरोसे आंखें बंद कर चलता रहता आदमी। या सामने गाड़ी हो तो आप उसको वॉच करते हुए चलते रहें तो फिर भी सेफ रहता आदमी। बरसात में बहुत रिस्की है पहाड़, आज मालूम हुआ है। मेरे आगे जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं सब भगाए जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि उनको पता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड है और इस इलाके से जितनी जल्दी निकला जाए उतना ही अच्छा है। आगे फिर जाम लग गया क्योंकि बकरियों का रेवड़ जा रहा है। बकरी वालों को भी आराम नहीं है ऐसे मौसम में, चल पड़े हैं, फिर बाद में रोएंगे हमारी बकरियाँ जो वो भी बह गई साथ में, या शायद बेचारे ऊपर घास चराने के लिए ले गए होंगे तो अब घर वापस दौड़ रहे होंगे मौसम खराब होने पर। सिर्फ रामबन में ही ट्रैफिक जैम्स और ऐसे बारिश की वजह से फंसने से तकरीबन पौना घंटा लग गया है। गनीमत यह है कि उस डेंजर एरिया से मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ, अभी भी खतरा टला नहीं है क्योंकि आगे बारिश चल रही है और पहाड़ियाँ खिसकती हैं जैसे इनसे छेड़छाड़ की हुई है, तो हल्की हल्की जो पहाड़ियाँ हैं पानी साथ में मिट्टी और जितने भी छोटे मोटे रॉक्स हैं वो साथ ले आती है सड़कों पर, तो रिस्क तो अभी भी है। इस जगह पर तो जो फुट हिल जिसको बोलते हैं तो फुट ही उड़ा दिया है मशीनों से, काफ़ी चौड़ा कर दिया है, लेकिन पहाड़ जो है उनका जैसे हमारे पाँव की उंगलियां काट दी जाएं तो ऐसे पहाड़ों की ये उंगलियां कटी हैं, तो भाई वो फिर कैसे खड़े रहेंगे, खिसकेंगे ना, हम भी ऑफ बैलेंस होएंगी अगर हमारे पाँव की उंगलियां काट दी जाएं, सामने भी यही हाल है, तो ये लड़ाई अब चलती रहेगी। हर बरसात में आदमी लगा रहेगा, लड़ता रहेगा, ऐसे ही संसार चल रहा है और चलता रहेगा। बस बरसात में कभी भी पहाड़ों में मत आएं, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। आपने वीडियो में अब तक काफ़ी आइडिया ले लिया होगा मैं बार बार क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इट्स रियली रिस्की। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, दोबारा कोई नहीं मिलती, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। घूमो फिरो अच्छी बात है, बट सेफली घूमो और सेफ़ टाइम और सेफ़ वेदर ढूंढो। ऐसे ही स्नो जब गिरती है तब स्नो एरियाज़ भी ऐसे ही रिस्की हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे हादसे होते हैं हिंदुस्तान में और बहुत सारे लोगों की जान जाती है। मुझे लगा था भी रामबन से बाहर निकलने के बाद रास्ता सही हो जाएगा, पर अब यहाँ देखें यहाँ भी वही हाल है, सारे पहाड़ खुदे पड़े हैं मशीनों से, सड़क का तो नामो निशान नहीं है क्योंकि नहीं बनेगी तो टाइम लगता है, पहाड़ों में सब कुछ स्लो चलता है, यहाँ थोड़ा सा आराम मिला है। वैसे सीनिक व्यूज़ इधर भी बड़े फैसिनेटिंग हैं, लेकिन ध्यान सारा बारिश और सड़क की तरफ था। अब जो टनल आने वाला है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बोला जाता है इसको, और इसका दूसरा नाम भी है पत्नी टॉप टनल या चिनानी नाशरी टनल, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल है, इसकी लेंथ है तकरीबन 9 किलोमीटर, तो ये भी 10 से 12 किलोमीटर में पार होता है।
यहाँ पर आपकी जो स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर पर आवर है। इस टनल को 2011 में बनाना शुरू किया था और 2017 में ये कंप्लीट हुआ था। बारिश ने तो हद ही मचा दी, ये लगातार चलती ही जा रही है। मैं तकरीबन 50 किलोमीटर निकल चुका हूँ बनिहाल टनल से और अब रामबन से भी काफ़ी बाहर, तो अब उधमपुर आने वाला है इसके बाद। तो बारिश अभी भी चल रही है, मौसम वैसे तो अच्छा है, तो चलो इधर रिस्क काफ़ी कम हो गया क्योंकि रोड कंडीशंस बेटर हैं और जो पहाड़ हैं वो भी छोटे हो गए हैं साइज़ में और हरियाली ज़्यादा है। यहाँ छेड़छाड़ भी कम है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ जितना भी जो चौड़ा करना था ये कर चुका। दोस्तों 10:30 का टाइम हुआ है, मैं चला था तकरीबन 6:15 बजे तो रेलवे स्टेशन उधमपुर शहर आ चुका है। शुक्र है ठीक ठाक पहुँच गया।